नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कथित जासूसी कांड को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। उसने पूरे मामले को लेकर जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच की मांग की है। इधर बचाव में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने जासूसी की मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन करार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को सवाल किया कि आखिर मॉनसून सत्र से पहले पेगासस की ये कहानी कैसे सामने आई, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, यह सारी कहानी मानसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हाँ, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस कहानी में ट्विस्ट क्या है। कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अभी पल्लू बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का नाम है, क्षमा करिएगा मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है, वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? नागरिकों तो आपने सुना दोनों तरफ के बयानों पर पलटवार और वार पलटवार का ये जो सिलसिला है पेगासस को लेकर तेज हो गया है, जहां एक ओर रणदीप सुरजेवाला लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम बदल देना चाहिए, जासूस बीजेपी रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जासूसी हो रही है, क्योंकि आपको बता दें पेगासस सामने आया है मामला जिसमें साफ तौर पर फोन टैपिंग का मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें कई नाम शामिल हैं, पत्रकारों का, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम शामिल हैं, कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिन पर लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि फोन टैपिंग के जरिए वो विपक्ष की बातों को, मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया की बातों में को टैप करने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी पर पलटवार करते हुए रवि शंकर प्रसाद ने बयान दर्ज किया, उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था और उसी के एक दिन पहले एकदम से पेगासस का हाईलाइट होना, एकदम से ये तमाम मुद्दे उजागर होना और इस तरह का विपक्ष का घेरना, क्या आपको एक नॉर्मल लगता है? वहीं उन्होंने व्यंग भरे अंदाज में भी पूर्व जो मंत्री है कांग्रेस में उन पर भी निशाना साधा कि अगर उनकी सारी बातें ट्वीट पर होती हैं तो पेगासस का इस्तेमाल कर फोन टैपिंग करने की क्या जरूरत है, यानी कि जो कांग्रेस उस पर लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि वो ट्विटर पर सक्रिय है, ट्विटर के जरिए हमलावर होते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जब ट्वीट के माध्यम से ही पूरा देश ये देख रहा है कि क्या चीजें सामने आ रही, तो टैपिंग करने की जरूरत क्या। तो इस तरह से रणदीप सुरजेवाला और आपने रविशंकर प्रसाद का बयान सुना और संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से इस मामले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि फोन टैपिंग का मुद्दा लोकतंत्र का हनन बताया जा रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, फोन टैपिंग की जा रही है। वहीं आज
मानसून सत्र का संसद में दूसरा दिन था जिसमें विपक्ष ने बुरी तरह से हंगामा किया। लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा, राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें तो पेगासस मुद्दा गर्माता जा रहा है लगातार, और इसको लेकर विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है। आज हालांकि बैठक भी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय, जिसमें उन्होंने किस तरह से जो पेगासस मुद्दा उठ रहा है उस पर काउंटर किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। जो विपक्ष लामबंद है जिन मुद्दों को लेकर मानसून संसद में, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। वहीं आईटी मंत्री ने आज संसद में पेगासस मुद्दे पर सामने अपना पक्ष रखा। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पेगासस मुद्दे को लेकर हमलावर है, और वहीं रविशंकर प्रसाद ने काउंटर में क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, यह सारी कहानी मानसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हां, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस कहानी में ट्विस्ट क्या है। कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का नाम है, क्षमा करिएगा मैं व्यंग में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है, वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या। तो आपने एक बार फिर और लगातार इसको लेकर संसद के मानसून तो रणी सुरजेवाला और रविशंकर प्रसाद दोनों की टिप्पणी आपने सुनी। इसी को लेकर संसद के मानसून सत्र में लगातार पक्ष विपक्ष का जो पेगासस मुद्दा उसको लेकर खेल जारी है। वहीं आईटी मिनिस्टर भी आज पेगासस मुद्दे पर केंद्र की तरफ से उन्होंने सामने रखी चीजें काउंटर किया, उन्होंने विपक्ष को कि क्यों ये मुद्दा उठ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या, कुछ उन्होंने स्पष्टीकरण दिया वो भी सामने आया। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।